हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं ग्लोबल विपसना पगोड़ा में, जो कि है बोरिवली से नज़दीकी गोराई रीजन में। तो उसके लिए हम लोग बोरिवली आएंगे पहले, और उसके बाद बस लेके यहाँ से एक फेरी है वो लेके जाएंगे। तो वो डिटेल मैं आपको दूंगा। आप खुद से भी आ सकते हो, रोडवेज से भी आप जा सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ेगा। बोट से आओगे तो दो ऑप्शन है, एक बोट है जिसमें आप बाइक लेके जा सकते हो, फोर व्हीलर नहीं जाता यहाँ पे, तो बाइक से आप उतर के वापस आगे राइड कर सकते हो। पर हम लोग जो देखने वाले वो विदाउट बाइक वाला ऑप्शन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आने वाला। तो वैसे मैं आपको डिटेल देता हूँ उसका। बोरिवली में आने के बाद आपको बोरिवली वेस्ट में जाना है, तो वो याद रखना। उधर ही आगे हम लोग को बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेके हम आगे जाएंगे। बस स्टॉप जो है वो एक्चुअली स्काईवॉक के एंडिंग पे है। ये दो बस है, 294 है और 247 है। तो बसेस अवेलेबल है, पर बस का बोर्ड है ना वो क्रीक लिखा है क्या डेपो लिखा है वो देखना। अगर डेपो लिखा रहेगा तो इधर ही रुक जाएगा वो, अगर क्रीक लिखा रहेगा तो हम लोग को वो जेट्टी तक लेके जाएगा। तो बस का फेयर 6 रुपीज़ है। अगर सेम हम लोग ऑटो से आएंगे ना तो 60 रुपये तक होगा, 60 रुपीज़। तो बोरिवली स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर मीटर से आओगे तो 60 रुपीज़ होगा, शेयरिंग में आओगे तो 20 रुपीज़ पर पर्सन रिक्शा वाले लेते हैं। तो ये गोराई क्रीक का बस स्टॉप है, यहाँ पे एंट्री करोगे ना सामने, वहाँ पे राइट साइड में आपको टिकट काउंटर मिलेगा फेरी का। गोराई का जो पगोड़ा जाने वाला टिकट है, मतलब डायरेक्ट फेरी वाला, वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली वाटर किंगडम वालों का ही है। रिटर्न टिकट हम लोग को 100 रुपीज़ में मिलता है यहाँ से। तो डेपो से क्रीक का जो डिस्टेंस है ना एक्चुअली 1 किलोमीटर के आसपास है। तो ट्राई करना क्रीक वाला ही बस पकड़ने, नहीं तो आपको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ सकता है वैसे। सो यहाँ पे आपको दो बोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये वाला जो है वो हम लोगों को पगोड़ा लेके जाएगा, और ये जो है वो हम लोगों को सामने के जेट्टी पे, गोराई जेट्टी पे लेके जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, आप लोगों को डायरेक्ट पगोड़ा जाने वाला जो बोट मिलेगा ना, वो यहाँ से ऐसा सीधा उस साइड जाके उधर दूसरा जेट्टी वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे जाना है। ये वाला लोगे तो उस साइड जाके फिर रिक्शा करके फिर आपको जाना पड़ेगा, तो वो डबल हो जाएगा। तो बाइक लाए रहेंगे तो इसमें बाइक डाल के आप उस साइड जाके फिर बाइक से भी जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बाइक नहीं, हाँ आएंगे आएंगे, हाँ भाई। तो आप गोराई जाते टाइम इनको देखोगे तो इनको बोलना हाय, हमने आपको यूट्यूब पे देखा था, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये गोराई जेट्टी वाली बड़ी बोट है जो हमको बोरिवली साइड से गोराई जेट्टी के साइड लेके जाती है, बाइक्स जाते हैं इस पे। तो ये फेरी का जो जर्नी है वो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट रहता है, हाई टाइड लो टाइड के ऊपर डिपेंड है, पर मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग। एक साइड में हम लोगों को पगोड़ा का व्यू दिखता है, वही देखते देखते हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर। यहाँ से आओगे पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट है, पर डायरेक्ट आपको यहाँ पे गोराई के सामने छोड़ते हम लोग। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से व्हीकल लेना नहीं पड़ेगा, फेरी से उतरो, लो टाइड रहेगा तो चलना पड़ेगा, चल के आओ इधर और एंट्री कर लो ऐसे। ऊपर आने का रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे सुंदर होते जा रहा है, कलरफुल फूल है यहाँ पे एक साइड में।
तो आप अगर दूसरे बोट से आते हो ना तो ये वाला रास्ता देखो, यहाँ से रिक्शा है वहाँ पे छोड़ते हैं, और जब फेरी वाले बोट से आते हैं तो यहाँ से चल के आके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रूल्स भी है यहाँ पे, तो वो चीज़ आप लोग प्लीज़ फॉलो करना अच्छे से। और थोड़ा ही उसके बाजू में एक मैप दिया हुआ है स्ट्रक्चरल, वहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट किधर है वो भी दिखाया है। ऑल्सो ऊपर आपको ऑडियो लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है और मैप्स भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये जो है वो म्यांमार गेट है, मेन एंट्रेंस जो है वो, और आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप ऊपर के साइड जब देखोगे तो आप देखोगे एकदम बारीकी से काम किया गया है वो साइड में, ऊपर का भी डिज़ाइंस जो है वो। और आज एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो जो मेन विपसना पगोड़ा है उसके पीछे साइड में इतना मस्त क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है। ऊपर आने के बाद एक्चुअली हम लोगों को हर जगह पे ये दिखाया जाता है कि कौन सा एरिया क्या है और कहाँ पे क्या प्रेजेंट है करके। तो मोस्टली लोग लेफ्ट साइड से राउंड स्टार्ट करते फिर राइट साइड से अंदर आते, तो आप भी वैसे फॉलो करो तो आपको इजी पड़ेगा, सब लाइन से एक एक करके आप देख के पूरा राउंड मार सकते हो वैसे। तो मैं उसके अंदर जाके आए, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर अगर ओपन रहेगा तो आप देख के आना, क्योंकि हर बार ओपन रहता नहीं है और ये मेन चीज़ है इसके अंदर जो जाते हैं हम लोग को। एकदम ही पीसफुल लोकेशन, एकदम पीस, और एक्चुअली इधर एक कंटिन्यू मैसेज चल रहा है, आप ध्यान से सुनोगे ना तो ये जो एक्चुअली लिखा हुआ है ना वो उन लोग बोल के भी मैसेज रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस है उसमें। यहाँ पे छोटा सा गार्डन है बच्चे लोगों के लिए, झूला फिसल कुंडी सब है, बीच में एक फाउंटेन है शाम को चालू होता हो। यहाँ पे नीचे के साइड में फूड प्लाजा भी है, तो अगर आपको कुछ खाना रहेगा तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ का पूरा टूर कर लिया हम लोग ने, देख लिया है, पर एक्चुअल यहाँ पे जो होता है वो विपसना मेडिटेशन होता है, उसके लिए हम लोगों को अच्छे से टाइम निकाल के आना पड़ता है उनके स्लॉट के हिसाब से, वो मेन रीज़न है यहाँ पे। बट आई होप आपको यहाँ पे आने का जो वीडियो है वो बराबर समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।